हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर रितु लोखंडे और गर्मियों का मौसम है। मुझे एक आंटी ने चैलेंज दिया था, हेल्दी ड्रिंक्स बनाने थे जिसमें सोडा नहीं चाहिए, एक्सेस शुगर नहीं चाहिए, चार लोगों को अलग अलग चाहिए, कुछ ऐसे बना के चैलेंज था मुझे। तो मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और गर्मियों का मौसम है, तो मैंने उनको चार अलग अलग तरह के वेलकम ड्रिंक्स बना दिए। चार कूलर्स हैं, एक है वाटरमेलन जूस, एक है फ्रूट पंच, मसाला छाछ और बनाया है मैंने गुड़ का जूस। यस, जैगरी जूस हमने बचपन में बहुत पिया है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाने हैं जूसेस। तो पहले हम वाटरमेलन कूलर बना लेंगे। उसके लिए कुछ मैंने पुदीने के फ्रेश पत्ते लिए हैं, उन्हें फाइनली चॉप कर लेंगे ग्लास के अंदर ही। चाहें तो आप उन्हें ब्लेंड भी कर सकते हैं वाटरमेलन के साथ। मुझे पत्ते ये मुँह में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिखने में भी खूबसूरत लगता है। आधे नींबू का रस स्क्वीज कर लेंगे और एक कप मैंने वाटरमेलन पीसेस लिए हैं, उनको हम जूस बना देंगे। उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक ऐड कर देंगे। बहुत ही रिफ्रेशिंग और कूलिंग लगता है ये वाटरमेलन कूलर। तो ये वाटरमेलन को मैंने मिक्सर के जार में ले लिया है। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, कुछ बर्फ़ के टुकड़े। अब इसका हम जूस बना लेंगे। और ये जो हमने मिंट और लेमन का सिरप बना के रखा था उसमें ये पोर कर देंगे। अब चाहे थोड़ी शुगर ऐड कर सकते हैं, मैंने शुगर ऐड नहीं की है। तो अब हम बना लेंगे जैगरी जूस। ये एक्चुअली टेस्ट में एकदम गन्ने के रस जैसा लगता है। हम बचपन में हरियाणा जाते थे बहुत, मेरी बुआ रहती थी वहाँ पे, तो ये उनके यहाँ वेलकम ड्रिंक हुआ करता था। मतलब मुझे याद है हम बड़े ही ये जूस पीते हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या लगता है इसके लिए हमको सामग्री। इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबल स्पून गुड़, थोड़ा चाट मसाला, काला नमक, पुदीने के कुछ पत्ते और आधे नींबू का रस। और इस सब का हम जूस बना लेंगे। इसको हम फाइनली पेस्ट बना देंगे सबसे पहले, थोड़ा पानी ऐड करके। इसे कहते हैं गुड़ का जूस पीने से ना लू नहीं लगती है, इसलिए हम बचपन में बहुत पीते थे इसको। और ये हमारा जैगरी जूस तैयार है। जब तक नेक्स्ट जूस की मैं तैयारी करती हूँ, उसके पहले आपको ड्रेस के बारे में बताती हूँ। हमारी क्रेडियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी वुमेन इमेजिंग, तो उसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थी। और वो इमेजिंग फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया ऐसा था जिसमें वुमेन ऑर्गेनाइजर्स थे, वुमेन इमेजिंग टॉपिक था और वुमेन ही स्पीकर्स थे। यस, पहली बार ऐसा हुआ था इंडियन रेडियोलॉजी की हिस्ट्री में, और उसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं थी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट मोमेंट। तब उसका जो बैंकेट नाइट था उसके लिए मुझे कुछ तो अलग था, क्योंकि उस समय पहली बार हमारे इसमें फैशन शो रैंप वॉक इंट्रोड्यूस किया था सिंस आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो फैशन तो बनता ही है। तो मुझे कुछ तो डिफरेंट पहनना था सबसे, फिर तो मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया था। ये येलो एंड रेड कलर का ड्रेस है और इसको ऑफ शोल्डर बनाया है, उसको स्टोल दिया है और रैप अराउंड जैसा स्कर्ट किया है विद अ लॉन्ग स्लिट। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। और चलिए अभी अगला कूलर बना लेंगे। अब हम बना लेंगे मसाला छाछ या ताक जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप दही, कुछ धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और थोड़ी सी अदरक, चाट मसाला, काला नमक, जीरा पाउडर। और मसाला ताक या छाछ तो पंजाबियों के घर में ब्रेकफास्ट में होनी ही चाहिए। मुझे याद ही नहीं है मेरे बचपन में मैंने जब ब्रेकफास्ट किया है और टेबल पे लस्सी ताक नहीं है। इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली पंजाबियों में, कि अगर आप लस्सी नहीं पिलाते हो तो आप अपने गेस्ट को ठीक से अटेंड नहीं करते हो, ऐसा हमारी दादी कहती थी। तो चलो बना लेते हैं लस्सी। और इसका टेस्ट एकदम जैसे हम अमूल की पीते हैं मसाला छाछ वैसा आता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें, थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे, सिंसम कूलर बना रहे हैं तो बर्फ़ तो चाहिए उसमें। और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमारी छाछ तैयार है। तो अभी हम फ्रूट पंच बना लेंगे। बहुत ही कलरफुल सा दिखता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है पीने में।
उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है वाटरमेलन का जूस निकाल के लिया है, थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश लिया है मालाज का, कोकोनट वाटर ऐड किया है और कुछ पुदीने के पत्ते और लेमन वेजेस। तो अभी हम इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे फ्रूट पंच की। सबसे पहले कुछ पुदीने के पत्ते और दो लेमन के वेजेस इनको हम कूट लेंगे थोड़ा सा। फ्रूट पंच में इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो पुदीना के पेस्ट भी बना सकते हैं, पर ये कूटने का अलग ही टेस्ट आता है, इसलिए मैंने कूटा है। और एक क्रश्ड पुदीना और लेमन इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम पाइनएप्पल क्रश डाल देंगे। आहा, क्या ब्यूटीफुल कलर है इसका। और ये फ्रूट पंच पीते समय इसके जो पाइनएप्पल के पीसेस आते हैं मुंह में, वाओ, वो तो बहुत बढ़िया लगते हैं। अभी इसमें हम वाटरमेलन जूस डाल देंगे। मैंने स्पून इन्वर्ट करके रखा है ताकि वो आपस में मिक्स ना हो जाएं, ये ट्रिक है। नारियल पानी ऐड कर देंगे अभी इसमें हम। बहुत ही रिफ्रेशिंग कूलर है ये। और ये हमारा फ्रूट पंच तैयार है। थोड़ा सा पिस्ता पाउडर डाल देंगे, फ्रूट पंच है थोड़ा रिच चाहिए। और ये हमारे चार समर कूलर्स तैयार हैं, जैगरी जूस, छाज, वाटरमेलन जूस एंड फ्रूट पंच। आपको ये समर कूलर्स कैसे लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर ऑल द लव।